साइड हो जाओ। लगता है बाहर जाना ही पड़ेगा, ऐसे मानेंगे नहीं। हिंदी 59 को बोलते हैं 59। तो आप लोगों को यही नहीं पता 59 तो कोई मैच नहीं कर रहे। मुझे 90 से 100 के बीच की रिद्धि सारी 58 59 59 को 59 ही बोलते हैं। 58 को आप ठुंजा बोलते हो। वो तो फिर गांव वाली लैंग्वेज होगी ना, ठुंजा, स्तुंजा, छुंजा, पुचुंजा। यस, आपको नहीं पता ये सब? हम लोग तो ऐसे ही बोलते थे भाई, हम तो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज थोड़ी सी खुशी है हमारे मन में भी, क्योंकि क्यों थोड़ा सा वेदर साफ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से ये देखिए थोड़ी सी धूप आने लगी है सुबह। मैं भी खुश हूँ। यानी बाहर सुखाइए इसे, इसको भी बाहर सुखाइए, अपना भी इंचीटर भी ले जाए, इसको थोड़ी सी सनलाइट लगा दे भाई। क्यों? ठीक है चल तू जाइए, छोड़ दे, मैं बाकी खुद करूंगी, तो स्कूल के लिए देर ना कर बस। 5:30 बजे का अलार्म लगाया था, मैं आपको अभी भी दिखा सकती हूँ। ये देखो बीच वाली सुई है ना, जो येलो वाली, हाँ ये 6 और 5 के बीच में है। इसने लगाया था, इसने एक ऐप डाउनलोड किया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, बेडॉल हो गया हूँ, ये करूंगा वो करूंगा। ऐप डाउनलोड किया, पानी भी ऐप के अकॉर्डिंग पिएगा, सुबह जल्दी उठना था, लेकिन 6:30 बजे लात लात मार मार के जगाया मैंने उसको, बड़ी मुश्किल से। बट सुबह सुबह ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, सुबह का जो मूड होता है फ्रेश होना चाहिए। जैसा जैसी आपकी मॉर्निंग होती है पूरा दिन आपका वैसे ही जाता। तो मुझे बिल्कुल भी डांटना, जोर से बोलना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम भजन चलने चाहिए होते हैं घर के अंदर, तो अच्छा लगता है। बट ये उठा नहीं, 6:30 बजे जैसे कैसे उठा। तो सबसे पहले प्रीवियस डे की बात कर लेते हैं कि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था होल डे, 24 घंटे लगभग 30 घंटा लगातार परसों से बारिश चली है, कहाँ गया। और ये देखो मोटे वाला ब्लैंकेट निकाला है, आज है 1 जून और पिछले कल था 31, यानी निर्जला एकादशी थी। और निर्जला एकादशी वाले दिन जो है इतनी ज्यादा, चलो तब दूध पी ले, लेट हो जाएगा फिर। निर्जला एकादशी वाले दिन इतनी ज्यादा गर्मी होती थी कि जगह जगह जो है पानी पिलाने वाले, रू अफजा, वाटरमेलन, फ्रूट्स खिलाने वाले मिले। कल कहीं भी कुछ भी नहीं था क्योंकि बारिश ने कुछ भी दान पुण्य करना निर्जला एकादशी होता है कि एक व्रत रखते ना लोग, बिना पानी पीने वाला व्रत होता है, उसमें लोग दान पुण्य करते, पानी पिलाते, मतलब सबको, खुद पानी नहीं पीना लेकिन दूसरों को पानी पिलाना अच्छी बात होती है। मेरा भी मन था कि कहीं कोई दिखता तो मैं भी कुछ छोटा मोटा दान पुण्य कर लेती, लेकिन मुझे कहीं भी कोई नजर नहीं आया। और ऐसी बारिश में क्या ही पानी पिलाना था जब ऊपर से पूरा बरस रहा था। नहीं जनरली बता रही हूँ एक बार। और आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे धुंध धुंध दिखाई दी, मतलब ऐसे लग रहा था बादल वाला सा वेदर, लेकिन अभी धूप अच्छी खासी निकल चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। हाँ ये देखो अच्छी धूप निकली है, इधर देखिए धूप अंदर तक आ गई है। यहाँ पे मैंने मनी प्लांट रखा था, इसके धूप तो हट गई है, तो थोड़ा सा यहाँ जैसे रख देती हूँ। जी हाँ, एक रोटी बना सकते हैं? अभी बनाऊँ रोटी? जैम। अच्छा जैम रोटी खानी है, ओके। ब्रेड तो बेटा खत्म नहीं हो गए थे, क्रम्स नहीं बना दिए थे उसके? क्रम्स नहीं बना दिए थे उसके? कोई ना फटाफट बना दो, टाइम देखियो जरा। टाइम अभी हुआ है 35:30। हाँ 5 मिनट में बन जाएगी रोटी। तो इसके स्कूल के टिफिन को तो मैंने तैयार कर दिया है, तो इसके लिए रोटी बना देती हूँ। अब एक रोटी खाने का मन है इसका, जैम रोटी, तो फटाफट से बना देती हूँ, फिर आपसे बातचीत करते हैं। लो जी गर्मा गर्म जैम रोटी तैयार है, ये लीजिए। और कल तो मैंने स्वेटर भी पहना था, ये देखो स्वेटर और साथ में मोटे वाला ब्लैंकेट। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना मैंने झाड़ू लगाया है, एक्स्ट्रा ही जैम ले दिया मैं। तो कोई बात नहीं, खा ले, मीठा मीठा अच्छा होता, कभी कभी खा लेना चाहिए जैम बियर। तो आज है थर्सडे, झाड़ू पोछा, झाड़ू तो लगा सकती हूँ बाहर वाले रूम में तो हल्का हल्का किया, क्योंकि वहाँ पे ना रेत आ जाती है, ये जो बॉल लेकर जाता है उसमें भी मिट्टी मिट्टी आती है, तो वो निकाल दिया। और ये वाली बेडशीट मैं कल साफ करूंगी, हफ्ता भर हो गया इसको भी बिछा के, एक एक हफ्ते तक रखती हूँ, बाकी मैं झाड़ती रहती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे के पास गंदा होता है। मेरा बेटा तो बड़ा है, ये तो साफ सुथरा है बच्चा है। तो चलिए फिर अब हर्षित जी को रेडी करके, अभी मैंने दूध भी नहीं लाया, वो पानी लगाया तूने मेरे को नहाने के लिए भाई, मैं पता चला बैठी भी हूँ भाई, पानी तो खोलने लग गया। यहाँ पे ना एक्चुअली गीजर की फिटिंग है नहीं, तो रॉड से ही हमें पानी गर्म करना पड़ता है।
तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, गीजर तो ऑटोमेटिक होता है, ऑटो कट हो जाता है, रॉड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है फिर उसको ठंडा करो, बिजली वेस्ट हो जाती है। रोटी नहीं, रोटला है। हाँ तो बड़ी सी रोटी बना दी ना एक मैंने, टाइम अभी है 5-10 मिनट है अभी। ये देखो जी हमारी धरती भीगी भीगी, यहाँ पे गाड़ी ऐसे जाती है तैरती हुई स्विमिंग पूल के ऊपर से। ये देखो कितनी बारिश आई है, उधर भी है बारिश का पानी। ये चींटियों के लिए ओशन समान है। चींटियों के लिए तो ओशन समान है, सही है। बाय बाय ठीक है, तेज बारिश होगी तब आएंगे हम लेने। ओके अदरवाइज इंजॉय कीजिएगा अपने दिन को, बाय। चेक कर ले भाई, चेक कर ले अभी भी, कर ले चेक, ला मैं चेक करूँ, मैं चेक करूँ वहाँ से, उसको बोलियो चेक करने को, फ्रेंड को नहीं तो वहाँ से ले लियो। गो एंड बाय बाय, डरा रहा है मुझे जानबूझ के। तो सबसे पहले दूध, और आज सिलेंडर की गाड़ी भी आ सकती है साथ में, मैं सिलेंडर भी लेकर जाऊँगी, या तो ऊपर मिश्र अंकल के शॉप में छोड़ दूँगी या फिर साथ में गाड़ी में ही रखूँगी, जहाँ जैसे गाड़ी मिलेगी, प्ले स्कूल के आसपास, कॉलोनी में भी जाती है क्योंकि वो गाड़ी। तो देखो जो सामने अभी अभी बस गई है इसमें आती है दूध की सप्लाई, तो अभी चलती हूँ फटाफट, अभी अभी दूध भी होगा क्योंकि ख़त्म हो जाता है इनके पास, पता नहीं कितना लीटर दूध आता है और कितना बिक जाता है, कभी कभी फिर खाली हाथ भी जाना पड़ता है। तो अभी अभी जस्ट बस निकली है यहाँ से दूध, देखो वहाँ एक आंटी आ रहे ना, वो देखो इन आंटी के हाथ में जो कैनी है इसके अंदर दूध है बहुत सारा। तो जैसे ही मैं नहा के निकली और पूजा पाठ करके निकली, एकदम से मुझे सामने गाड़ी नज़र आई, दिशा की गाड़ी। तो मुझे लगा कि कपड़े तो मैंने सारे सिलवा के दे दिए हैं, भैया क्यों आए। तो आपको मैं बता दूं इस दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, मतलब अच्छा सा लगता है। कभी कभी खून के रिश्ते पराए हो जाते हैं, कभी कभी जो आपके खून के रिश्तों में नहीं हैं वो लोग इतने अपने हो जाते हैं ना कि उनको मेरा ख्याल था। और ये देखिए शादी की मिठाई लेकर आए मेरे लिए, बहुत सारी दिशा ने भेजी है। और एक और बात भी मैं बताती हूँ, शादी में जाने का मेरा बहुत मन था, मैं अकेलेपन की वजह से ना थोड़ा सा मतलब घबरा सी रही थी कि मैं अकेली हूँ। और हर्षित की उस दिन छुट्टी नहीं थी, मतलब उसने स्कूल जाना था क्योंकि उसने पहले दिन छुट्टी कर रही थी पिकनिक की वजह से, और 3 बजे आना था हर्षित ने, उसके बाद क्या ही जाना था मैंने, मुझे मतलब अकेले की वजह से बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि शर्म सी आती है मुझे अकेले जाने में, क्योंकि दिशा वगैरह तो सब बिजी होने थे शादी में। और कल मुझे दिशा मिली थी जब मैं हर्षित को लेने स्कूल गई थी, वहाँ वो कह रहे थे कि आपको याद भी किया था, अच्छा लगा मुझे जब उस लड़की ने वो गाउन पहना था जो दुल्हन थी, और बहुत सुंदर लग रही थी, और मैं शादी की वीडियोस और स्नैप्स वगैरह देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ना दिल से रियली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड थैंक यू सो मच। और ये देखो कितना बड़ा डब्बा लाया है मेरे लिए मिठाई का, मैं आपको दिखा देती हूँ ज़रा इसके अंदर क्या क्या है। ओ भाई वाओ, तो ये देखिए जी शादी की मिठाई आई है मेरे घर, थैंक यू सो मच दिशा एंड शादी वाली दुल्हन मुबारक, और अंकल आंटी को थैंक यू सो मच। ये देखिए वाओ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पता जब मैं शादी की वीडियोस वगैरह देख रही ना, एक बार मेरी आंखें भी भर आई थी दुल्हन को, एक जगह वो सब लोग डांस कर रहे थे और एक मतलब बड़ा आयरोनिकल सा सॉन्ग लगा रखा था शादी की, जो लड़की की शादी में ना खुशी के साथ साथ अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सी दर्द सा होता है कि जा रही है मतलब पराई हो रही है करके जो भी है, क्योंकि मैं खुद भी लड़की हूँ, मैं भी समझती हूँ इस बात को। तो बड़ा अच्छा सा सॉन्ग लगा रखा था उन्होंने और डांस कर रहे थे, तो वो गाना ना मेरे भी इवन यहाँ दिल पे लगा, और मैं तो यहाँ बैठी बैठी वो वीडियो देख रही थी, स्टेटस में सबने डाल रखे थे वहाँ के डांस वीडियोज वगैरह, मैं तो यहीं पे बैठी बैठी रो पड़ी, वो लोग वहाँ रो रहे थे और मैं उनको देख देख के यहाँ रो रही थी। मतलब एक अच्छा सा अलग सा एक अटैचमेंट सा लगा मुझे दिशा के साथ, तो चलो है ही शी इज़ माई फ्रेंड, बट उनकी वजह से बाकी सब लोगों के साथ भी अच्छा सा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो हर्षित बहुत खुश हो जाएगा। तो चलिए अब पूजा तो मैंने कर ली है, मैं पाठ कर रही थी इस बीच में मुझे गाड़ी दिखी थी, तो चलिए बाकी का काम कंटिन्यू करती हूँ, आपको मिलूंगी मैं पाठ करने के बाद। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार, और सिलेंडर मैंने बाहर रख दिया है, सिलेंडर लेके जाने वाले हैं भैया संदीपा के हस्बैंड, तो भैया जो है नोगली से भर के लाएंगे, अभी मैंने बुक भी करवा दिया यहाँ पे, मैंने अंकल को फ़ोन किया था, शायद एक को भी आती, कभी कभी दो को भी आती, कभी कभी तीन को भी आती है, तो भरोसा नहीं है, तो बुकिंग करवा दी है, तो नोगली में जो है फिलिंग स्टेशन है, कभी भी ला सकते हैं।
और रामपुर जा रही है संदीपा, तो फी बुक भी मैंने दे दी है भाई। बहुत हेल्पफुल फ्रेंड है मेरी, इवन हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारा कोई काम कर लें, वो खुद से ही पूछ लेते कि आपका कोई काम तो नहीं है, तो चलिए मैं जा रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ, टचवुड नज़र ना लगे। आज का दिन कुछ अच्छा अच्छा लग रहा, सुबह से अच्छी खबर मिल रही है। और मुझे ना दिशा का फ़ोन भी आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिनके घर में शादी थी उन्होंने स्पेशली कहा था कि मुझे मेरे घर पर मिठाई भेजने के लिए। तो थैंक यू सो मच अंकल आंटी, और बेस्ट विशेज हैं ब्यूटीफुल सी ब्राइड के लिए। वो गई संदीपा रामपुर और मैं चली अब स्कूल। यहाँ तक आई मैं भैया के साथ गाड़ी में, संदीपा और भैया के साथ, तो अब चलती हूँ मैं पैदल पैदल। धूप बहुत तेज़ है भाई, मौसम का भी कुछ नहीं कह सकते, एक दिन होती है बहुत तेज़ बारिश। कल तो ऐसे लग रहा था देख के कि कभी बारिश रुकेगी नहीं, और आज इतनी तेज़ धूप है ना कि अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आई मैं, और मोटा सा टॉप पहन के आ गई, क्या पता थोड़ी देर में ख़राबी हो जाए वेदर। तो चलते हैं फिर फटाफट भागते हैं स्कूल। इस वक्त जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे स्कूल की छुट्टी हो रही होती है ना डीएवी की, तो चलो जी अब चलते हैं घर। 1 बजे का हो रहा है टाइम, रोज़ की हमारी यही रूटीन, लेकिन मौसम अभी अच्छा है, धूप ऑलमोस्ट गॉन, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हवा भी चल रही है, सफ़र अच्छा कटेगा हमारा हमारे घर तक। तो 4:15 के आसपास का टाइम है, मैं तो सो गई थी, बबू भी सो गई थी, और आँख में मैंने ना शहद डाला है। अभी संदीपा आई थी बबू को लेने, तो उन्होंने मेरी आई में देखो यहाँ पे शहद डाला है, तो वो कह रहे थे कि इस तरफ ना ऊपरली साइड ये जो आईलिड है यानी पलक है, इसके अंदर से कुछ छोटी सी फिंसी है। मैंने भी देखा, देख सच है या वैसे ही लगा, बहुत चुभन हो रही है, बहुत नहीं हो, बड़ी हो। अरे वो तो जब मैं फोल्ड किया ना तो बाहर को निकला था। अरे भाई बड़ी है बहुत, चल डरा रहा बड़ी है, व्हाइट कलर की है, व्हाइट कलर की है। हाँ। जैसे आपका पूरा रेड कलर का ना अंदर का, लेकिन वो एकदम से व्हाइट, वो बिल्कुल व्हाइट है साइड, छोटी सी है, उतनी भी छोटी नहीं, इतनी है। हाँ इतनी है, इतनी छोटी सी आंख में इतनी बड़ी फिंसी, मारेगा क्या? इतनी बड़ी का बोला मैंने। तो अर्षित भी स्कूल से आ गया था और खा रहा है मस्त स्वीट्स। ये देखो स्वीट्स में क्या क्या है, इधर ये मठरी सी है, मैंने पहले भी दिखा रखी है, बहुत टेस्टी है। हमारे यहाँ ना दिल्ली में भी शादी जब होती है इनविटेशन कार्ड के साथ, या फिर जब शादी क्लोज हो जाती है अपने नाते रिश्तेदारों को, इस तरह की भाजी कहते हैं इसे, ये दिल्ली में। हाँ, बहन बेटियों को भी देते हैं स्पेशल भाजी, हमारे यहाँ भी उसको भाजी ही बुलाते हैं। तो 6:45 का टाइम हो रहा है, बाहर फिर से भयंकर वाली बारिश चालू हो गई है। ये देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ एक बार विंडो खोल के, ये देखिए हमें जाना था पानी लेने, पानी मेरे पास ख़त्म है, तो अब कैसे जाएंगे हम, जाना तो खैर गाड़ी में था बट नहीं जा पाएंगे। हर्षित कर रहा है होमवर्क आज, ये भी खेलने नहीं गया, तो मैं तो ये देखो कंबल में मस्त लेटी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। थोड़ी सी रुकी है अभी बारिश, जैसे कैसे मैंने हिम्मत मारी तो चली पड़ती हूँ अब। दो कैनी पीछे डाल दी है, गाड़ी के अंदर अम्ब्रेला भी है, और 2 बॉटल्स भी मैंने यहाँ डाल दी हैं, और 1-2 सामान भी लेकर आना वो भी ले आती हूँ, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही यार, पानी के बिना बहुत मुश्किल है। अच्छी तो चला गया खेलने, उसको तो जल्दी लगी थी खेलने की। तो ये देखिए मेरे रोड में बिल्कुल जहाँ से मुझे जाना है वहाँ से भाई साहब ने गाड़ी लगा रखी है, लेकिन हट नहीं रहे हैं बिल्कुल भी साइड। क्या है ये भैया, बोलो जरा इनको, थोड़ा साइड हो जाओ। लगता है बाहर जाना ही पड़ेगा ऐसे मानेंगे नहीं। बड़ी देर से मैं, मुझे नीचे जाना, थोड़ा आगे ले लो गाड़ी। अच्छा। 1 घंटे से ऑन बजा रही हूँ, हद है बीच रोड में गाड़ी लगा रखी है।
तो हर्षित जो है तब से लेकर जब से खेल के आया है तब से होमवर्क में लगा, इसका होमवर्क बहुत सारा पेंडिंग है, पता नहीं क्या करते हैं ना लाइक बच्चे। पेन तो ये आज का है हाँ। बाकी तो पेंडिंग था, बताता नहीं ना मुझे, वो तो मेरे को पता है पेंडिंग होमवर्क है। तो अब डिनर करेंगे, उसके बाद रेस्ट वही रोज वाला। तो चलिए आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बेबीज ब्लॉग पर मस्ती, गुड बाय, टेक केयर। मैं दिखा रही सबको सस्ता।